तो गाइस मैं नमाज पढ़ के आ चुका हूँ। होली का सबसे शानदार तोहफा चूहे चाचू। सो गाइस आज है होली और मेरी तरफ से सबको हैप्पी होली। और गाइस आज जुमा भी है और साथ में शब कदर की रात भी है। तो गाइस सबसे पहले मैं पढ़ूंगा नमाज, उसके बाद मनाऊंगा होली और फिर करूंगा शब कदर की रात। इसे बोलते हैं हमारा इंडिया। दोस्तों जिनके समझ आता है अच्छा है, जिनके समझ नहीं आता बहुत अच्छा है। कुछ ऐसा ही है हमारा इंडिया। सबको साथ मिलजुल के रखना और साथ मिलके सारे त्योहार मनाना, यही इसकी खासियत है। आज मैं सारे त्योहार बड़ी खुशी से मनाऊंगा आप लोगों के साथ। बस मुझे आप लोगों की दुआ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। ऐसे ही मुझे आगे प्यार करते रहो, मुझे सपोर्ट करते रहो, यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो भी लोग जैसा भी सोचते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं यहाँ के सारे त्योहार मनाता हूँ। एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे के साथ रहना, यही हमारा देश हमें सिखाता है और हम इसलिए ही इंडियन कहलाते हैं। जब भगवान ही हमें मिलाना चाहता है और हमें साथ रखना चाहता है तो लोगों को करने दो जो भी कुछ करना है। भगवान ने भी क्या कमाल कर दिखाया कि तीनों त्योहार एक साथ में कर दिए ताकि हम सब मिलकर ये सब त्योहार मना सके। इस वीडियो को बहुत ही खूबसूरती के साथ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त विकेट सनी। तो गाइस नमाज का टाइम हो गया और सबसे पहले मैं नमाज पढ़ूंगा, नमाज पढ़ने के बाद मैं फिर मनाऊंगा होली। सो गाइस नमाज के लिए मैं हो चुका हूँ रेडी और अजान भी हो गई है। आप लोग अजान की आवाज सुनो, अजान हो रही है और अब मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने के बाद मैं मनाऊंगा होली। ये मेरे भाई है, इनका नाम है नदीम भाई और नदीम भाई एक बहुत बड़े हमारे रुड़की के जाने माने विधायक है। तो गाइस नमाज पढ़ने के लिए मैं आ चुका हूँ मस्जिद में, अब मैं मिलता हूँ आपको नमाज पढ़ने के बाद। ये हमारे फर्जी हैप्पी होली। तो गाइस मैं नमाज पढ़ के आ चुका हूँ और मेरी तरफ से भी सबको हैप्पी होली। तो अब मिलता हूँ मैं आपको होली में। हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली। तो गाइस रोड पे भी बन रही है एक जबरदस्त होली और मैं जा रहा हूँ फिलहाल अपने दोस्त के यहाँ, जहाँ पर उसके साथ मिलके मनाऊंगा मैं भी होली। सब ऐसे ही प्यार से मिलके अगर त्योहार मनाए तो कितना मजा आता है ना। सच में मुझे तो बहुत मजा आता है। मैं आ चुका हूँ अपने फ्रेंड के यहाँ पर, आराम मिलते हैं दिल्ली। हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली अन्नी भाई। और अपने अन्नी भाई आप लोग तो जानते हैं अन्नी भाई को। जी हैप्पी होली जी। जी हैप्पी होली, लख लख बधाई होली दी। हैप्पी होली मम्मी। आप क्या बना रहे हो? तेरे लिए पराठा बना रही। अच्छा मेरे लिए पराठा बना रहे हो भाई? भाई तुम एक फेमस कैरेक्टर हो मेरे ब्लॉग के, तो तुम होली क्यों नहीं बनाते मुझे ये बताओ पहले। ये होली का सबसे शानदार तोहफा गुजिया। कितनी लजीज गुजिया है। अच्छा उसके अंदर नहीं, उसका एंड देख, जो वो वाला काउंटर है ना उसका एंड देख। बहुत ना करेक्टर आदमी भाई। हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली, हैप्पी होली। ये देखो हैप्पी होली पे ये पागल पिता है। ओए हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली। चाचू है चाचू। ओए हैप्पी होली। टावर टाऊ चाचू नहीं है वो। टावर टाऊ भैया हूँ ना। टावर टाऊ। हैप्पी होली क्या हाल है ये? हैप्पी होली तो बोल ले एक बार। टावर टाऊ। मोरिया मोरिया मोरिया। मेरे साथ होली खेल ले एक बार, होली खेल ले मेरे साथ एक बार। अन्ने भाई क्या कर रहे हो? जूजू सही में काटने वाटने का तो नहीं? जूजू ये काटता कूटता कुछ नहीं। जूजू मार दिया था तो गिन्नी का गुस्सा आ गया। गिन्नी का गुस्सा। शेर है जूजू। जूजू जैसे खोल दूं? नहीं
मुझे डर लगे यार इसे खोले। हमारी माँ भी पता नहीं कौन से भांग की पकौड़ी खा गए। ये अपनी होश में नहीं है। का क्या हाल हो रहा। एक बार फिर गिन्नी हो चुका है पूरी तरीके से मेंटल। ना देने जा रहा था अब ना दे गया है। ओ अरे भाई इतना स्मार्ट बंदा किसका है भाई ये। चाइनीज भाषा का है वही ये। जैजू ये खाना खाने का कौन सा स्टाइल है तेरा। ये कौन सा स्टाइल है यार तेरा खाना खाने का। यस तोड़ दिया पागल। ये जो इंसान है वैसे तो दिल के बहुत बढ़िया है लेकिन कैरेक्टर ये ये शादी होने के बाद इनकी कहानी हो गई खत्म। अब मैं इनसे होली मिलने ये घर पे पड़े हुए सो रहे हैं। नितिन घर पे तो यार सो गए इतनी जल्दी। अब खत्म हो गई हमारी होली। अरे भाई यार बता यार मैं होली खेल ले आया और इनकी कहानी खत्म पड़ी भाई। अब तू नहा दोगे सुबह बैठ जाएगा तो होली यार असल में आज तीन चीजें एक साथ थी। देख भाई नमाज भी पढ़नी थी और होली भी खेलनी और फिर आज शब कदर की रात भी है। भाई साहब दूर से मिलना बस तुम जाओ। एक दोस्त के घर आ रहा है देखते हैं उसका क्या हाल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है उसकी भी कहानी फ्लॉप हो गई। अतुल हैप्पी होली भाई। सेम टू यू सेम टू यू। हैप्पी होली। तू कहाँ से आ रहा। चलो कम से कम एक आदमी की कहानी फ्लॉप नहीं है इसकी कहानी तो हिट है। ओए हैप्पी होली भाइयों मुंह में तो ना भरता मेरे भाई। गुस्से में लाल है क्या गाइस। इसने तो मेरा कर दिया बहुत बुरा हाल। साली ने मुंह में भी अरे पूरा का पूरा गुलाल घुसा दिया। बहुत बुरा हाल कर दिया इसने तो भाई साहब। खाना हो गया क्या। You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see when I could hardly walk on my own. You're all that you don't want. I had you home, I'm right. You're all that you don't want. होली का हो गया फुल एंजॉय फुल मजा। अबे क्या हालत है भाई पूरा मजा आ गया। मेरा तो बहुत बुरा हाल हो रखा। ये देखो क्या हालत हो गई। भाई बहुत बुरा हाल हो चुका। क्या हाल हो रहा भाई। हैप्पी होली। हैप्पी होली एक बार और। हैप्पी होली भाई। हैप्पी होली। ये हैप्पी होली। चल ठीक है मिलते हैं। मिलते हैं अभी ठीक है। ओके टाटा।
वैसे एक दोस्त को तो हमने छोड़ चुका हूँ कम से कम तीसरी चौथी बार, वो बेचारा नहाने जा रहा है। अब मैं चलता हूँ अपने एक दोस्त के पास और। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। गाइस मेरी तो आज बहुत बुरी हालत हो गई है होली खेल खेल के, और आप देख सकते हो मेरा बहुत बुरा हाल कर दिया दोस्तों ने, लेकिन मज़ा पूरा आ रहा है खेलने में होली। तो एक दोस्त के घर और जा रहा हूँ, अब मिलता हूँ, देख के वो मुझे शौक हो जाएगा क्या हालत बना रखी है, ये भी कहेगा। और ये हमारे आ रहे सऊदी वाले भी, इनकी सिचुएशन बहुत बुरी है मुझे देखने के बाद। तो गाइस मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। ये मेरा बचपन का दोस्त है, बहुत ही प्यारा। ये मिली करके ड्यूट। तो गाइस ये है अपने बाबा भाई, ये गड़बड़े बाबा। सही में बाबा भाई एकदम सुपर लगते हैं, और बाबा भाई की जो एक्टिंग है वो कमाल है। ये बैठे हैं हमारे सऊदी वाले पीर। ये बाबा चाय बना के लाया है हमारे लिए। ओ बाबा, मैं आपको जिससे मिलाने जा रहा हूँ एक बार इसका 2 फुट का मुंडी गजब बेइज्जती है। ये है हमारे यशविंदर भाई, और यशविंदर भाई क्या हाल चाल। सही, हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली तो बोल दे। तो गाइस होली खेल के हो गया मेरा बहुत ज्यादा बुरा हाल, और अब मैं घर आ गया हूँ और थक चुका हूँ बहुत ज्यादा। अब है शब कदर की रात, तो अब मैं नहा धो लेता हूँ, तैयार हो लेता हूँ, क्योंकि फिर मुझे नमाज भी पढ़नी है। मैं तैयार होता हूँ, नमाज के लिए कपड़े वपड़े पहनता हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा। सो गाइस होली पूरी हो चुकी है, अब है शब कदर की रात, और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ नमाज। तो आज आप लोगों को पता लग गया होगा कि हमारे इंडिया में कितने रंग हैं, और हम ऐसे ही मिलजुल कर सारे रंग ऐसे ही मनाते रहें तो कितना अच्छा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी रंगों वाली होली, रंगों वाली वीडियो लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।